मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उसका हम लेटेस्ट न्यूज़ देखने वाले हैं। फ्रेंड देखिएगा, आपको रिजल्ट की डेट तो बता दी गई है, लेकिन आपको आंसर कीज़ की डेट नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आंसर कीज़ की डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जिस स्टूडेंट ने या जिस अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो रहेगी इसमें मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो फीमेल का कट ऑफ है वो भी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे क्या सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर आता, उन सभी की वीडियोज़ आपको अनअकैडमी और ऑनलाइन फ्री स्टडी मिल जाएगी। अगर आप अनअकैडमी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी अनअकैडमी पे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद सारी वीडियोस वहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलेंगे ऑनलाइन और देखेंगे क्या न्यूज़ अपडेट है, आपकी आंसर कीज कब तक आएगी। ओके, तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आ गए ऑनलाइन और ये है नव भारत टाइम्स की न्यूज़। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट जाने कब आएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रिजल्ट और पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ठीक है, तो इसमें पूरी डिटेल्स हम ना पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, 11 मार्च को यह परीक्षा खत्म हुई थी आपकी, करीब एक महीने ये परीक्षा चली थी। इसमें CISF, NSSF, ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्टें थी अलग अलग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इस परीक्षा के जरिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को करीब 58,373 खाली पद थे। ठीक है, आपको बता दें कि इस परीक्षा में 5220355 आवेदन के आवेदन आए थे। ठीक है, ओके, इसमें से जितने 58.26 जो प्रतिशत अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठे हैं, मतलब कि आधे लगभग स्टूडेंट, मतलब आधे से थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो देखिए, परीक्षा देने के बाद आंसर की जारी की जाएगी जो इस महीने या अगले महीने की शुरुआत में आपको आ सकता है, जो जारी हो सकता है। इसके जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पढ़िए, परीक्षा देने के बाद आंसर की जारी की जाएगी जो इस महीने या अगले महीने के शुरुआत या पहले हफ्ते में आपकी आ जाएगी। वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी जीडी ग्रुप डी जो हुआ रिजल्ट की घोषणा जो 31 मई 2019 को की जाएगी। कब की जाएगी रिजल्ट? 31 मई 2019 को की जाएगी। हालांकि भविष्य में इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने अभी जो है आंसर कीज और रिजल्ट के बारे में बात करी। अब इस वीडियो में बात करूंगा हम कट ऑफ की। कट ऑफ जो रहेगा, मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसमें आपको कट ऑफ दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको पता है PET होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलेंगे स्लाइड पर और देखेंगे क्या आपका कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए, ये जो है आपकी कुछ क्वेरीज थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए, मैं पहले बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2018 या उससे पहले का जो एग्ज़ाम था उसमें पहले माइनस मार्किंग थी, लेकिन अब माइनस मार्किंग नहीं है। कुछ पुरानी साइटों पर जो साइट्स हैं उन पर पुराना अपडेट है, वहाँ पर माइनस मार्किंग दिखा रहा है, लेकिन मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जो माइनस मार्किंग नहीं है। ओके, अब आपको बता दूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, स्टेप वन में आपको रिटर्न एग्जामिनेशन ले लिया गया है, PET होगा और PST होगा, उसके बाद देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड, ये तीन प्रोसेस हैं सिंपल सी, इनमें क्या है आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तीनों आपको पास करना जरूरी है। अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की, देखिए हाइट जो चाहिए होगी वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो देखिए, मेल की बता एक्सपेंडेड बताऊँ 80 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर बात करें हम सिलेबस, तो सिलेबस देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। सभी जो चैप्टर है, सभी जो कैटेगरी है, 25-25 नंबर मिलेंगे और 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 नंबर क्वेश्चन पेपर है, 100 नंबर आपके आने थे और एग्जाम था 90 मिनट का। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ जो रहेगा, देखिए रह सकता है मे बी जनरल का 65 से 70, OBC का 58 से 63, SC का 59 से 55, ST का 46 से 52, एक्स सर्विसमैन का 36 से 41 और PS 37 से 40 जो रहेगा वो आपका ओवरऑल कट ऑफ है। ओके, अब देख लेते हैं मिलिटेंट और नक्सल एरिया, जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर जो रहेगा वो आपका कितना कितना कट ऑफ रह सकता है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताई थी। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश का जो रहता, देखिए मैं आपको स्टेट बताते जाता हूँ, जिससे क्या है आपको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, जिससे क्या आपको जो देखने में जो हेल्प मिलेगी। देखिए, आप पहले मैं बता देता हूँ
आंध्र प्रदेश का 41, अनरिजर्व ओबीसी 39, एससी 33, एसटी 39 और एक्सर्वियन 35, बिहार 63, ओबीसी 58, एससी 41, एसटी 58 और एक्सर्वियन 35। चंडीगढ़ की बात करें 43, अनरिजर्व ओबीसी 38, एससी जो रहेगा वो ऐसी है। देखिए यहाँ पर हम इसको कर लेते, इससे क्या है थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चंडीगढ़ का देख रहे हैं, चंडीगढ़ का ऐसी का 33, एसटी का 39, एक्सरसों का 35, झारखंड देखें 53, अनिजा 48, ओबीसी एससी 33, एसटी 38 और एक्सरसन 35। मध्य प्रदेश देखिए 58, अनरिजर्व 55, ओबीसी 44, एससी एसटी 59 और एक्सरसमेंट जो है 35, ठीक है। तो ये सभी आपको देख लीजिए यहाँ पर, और आपको देखिए मैं आपको महाराष्ट्र का बता देता हूँ, महाराष्ट्र का अनरिजर्व का 48, उड़ीसा का अनरिजर्व का 35, उत्तर प्रदेश का 69 अनरिजर्व और वेस्ट बंगाल का अनरिजर्व का 45, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं स्टेट बोर्ड, देखते हैं जो स्टेट वाइज जो है कॉन्स्टेबल, जो आपका कॉन्स्टेबल एग्जाम हुआ था बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो बिहार का अनरिजर्व 69, गुजरात का 45, हिमाचल प्रदेश का अनरिजर्व 50, जम्मू एंड कश्मीर का 41 और मणिपुर का 41, ठीक है। तो ये जो है आपको देखिए मैंने बताया है किस प्रकार के जो आपके अनरिजर्व है उनका, ओके। उसके बाद देखिए अनरिजर्व का, देखिए नागालैंड में 42 अनरिजर्व, उसमें ओबीसी और एससी नहीं है, एसटी 33 और जो एक्सरसन 35। पंजाब की बात करें 48 अनरिजर्व कैटेगरी, राजस्थान 73 अनरिजर्व कैटेगरी, त्रिपुरा 41, उत्तर प्रदेश 73, उत्तराखंड 58 और वेस्ट बंगाल 51। तो फ्रेंड ये जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जो है कट ऑफ मैंने यहाँ बताया, आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना जो भी स्टेट या किसी का नाम देखकर आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अगर बात करें फीमेल कट ऑफ, जो फीमेल कट ऑफ फोर्स वाइज है, ठीक है, अगर फोर्स वाइज बात करें तो देखिए बीएसएफ में अनरिजर्व, और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 62, ओबीसी 56, एससी 52, एसटी 46। CISF की बात करें 73 अनरिजर्व, ओबीसी 69, एससी 62, एसटी 56। CRPF की बात करें 63 अनरिजर्व, ओबीसी 58, एससी 54, एसटी 49, SSB 73 अनरिजर्व, ओबीसी 66, एससी 59, एसटी 50, ओके। ITBB बात करें तो अनरिजर्व 64, ओबीसी 59, एससी 55, एसटी 49, ठीक है। देखिए ITBB हो गया, AR देखिए 80 रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी, और ओबीसी 75, एससी 68, एसटी 62। NIA तो देखिए NIA में फीमेल कैटेगरी में देखें तो 88, ओबीसी 84, एससी 79 और एसटी 72। SSF की बात करें तो 84 अनरिजर्व, ओबीसी 77, एससी 72 और 68 एसटी के लिए, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी का आपका यहाँ पर आपको दिखाया मैंने। तो फ्रेंड देखिए जो 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 भी स्टूडेंट है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ देखिए होता क्या है, देखिए एक्चुअल में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कट ऑफ तो आपने बता दिया, देखिए एक्चुअल में देखिए मान ली अगर आपका 74 आया है, ओके, और 74 पॉइंट, अगर पॉइंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में अभी यहाँ पर नहीं आएंगे, 75 किसी के आए हैं तो वो क्लियर हो गया और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है आप कट ऑफ से नीचे हैं, वो कट ऑफ के ऊपर है, कट ऑफ मतलब यहाँ से जो है लाइन कट गई, इसके बाद आपका जो है आपका नहीं होगा, ठीक है, और आपके नीचे वाले किसी का नहीं होगा। अगर मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन मेरिट लिस्ट की अभी तक बता दूं कि अभी तक तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है एसएससी का कि एसएससी में जो मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन जीडी का जो है अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फिजिकल निकालना है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग वगैरह की तैयारी कर लीजिए, जिससे क्या जो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी वीडियो जो रहेगी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो फ्रेंड देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं उतने एग्ज़ाम दिया है सभी ने, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को जितना से उतना फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स जो ऑनलाइन फ्री स्टडी है उस पर बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं, जैसे कि एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और आरआरसी का, अगर आरआरसी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया हुआ है या आरआरबी और सीएचएसएल का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ, तो फ्रेंड बता दूं मैं आपको
यहाँ पर सारे ऑनलाइन फ्री स्टडी हुए मैथ रीजनिंग करंट अफेयर और आपका जीके जीएस सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स आई थिंक फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, अगर वीडियो देख लिए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।